साल 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग है। उसमें गब्बर सिंह कहता है, जो डर गया समझो मर गया। कुछ ऐसा ही पिछले सालों से यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी में जब से योगी सरकार आई है, बदमाश गैंगस्टर और तमाम दुर्दांत अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो या तो खुद मर गया या मार दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, योगी राज में लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और अपराध के साथ अपराधियों को ही जड़ से खत्म किया जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो 16 मार्च 2024 तक कुल 54 आपराधिक मामलों में 25 माफिया और 44 उनके सहयोगियों को सजा सुनाई जा चुकी है या फिर वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। इसी लिस्ट में कई बड़े नाम जैसे कि अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव महेश्वरी शामिल हैं, जिन्होंने पूरे यूपी में आतंक मचा रखा। लेकिन जैसे कि योगी बाबा ने वादा किया था, माफिया राज को उन्होंने ना सिर्फ मिट्टी में मिला दिया बल्कि बाहुबलियों की अवैध रूप से अर्जित की गई अकूत संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे नेस्तनाबूत कर दिया। आंकड़ों की माने तो योगी सरकार आने के बाद से अभी तक करीब 192 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए गए। इसके अलावा आतंक का दूसरा नाम बन चुके मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन को उनके पुराने कर्मों की सजा कोर्ट से दिलाने में सफलता हासिल की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2017 में योगी सरकार इस तरह के पेशेवर अपराधियों के लिए काल बनकर आई है और चुन चुन कर अपराधियों को ठिकाने लगा रही है। तो चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं कि यूपी में योगी राज आते ही कैसे बड़े बड़े अपराधियों को मौत का खौफ सताने लगा और कैसे उनका यही डर उनकी मौत की वजह बन गया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है हाल ही में सुपुर्दे खाक हुआ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का करीबी रहा पूर्वांचल का कुख्यात मुन्ना बजरंगी। 9 जुलाई 2018 में बागपत जेल में हुई उसकी हत्या से पहले मुन्ना बजरंगी के परिवार वालों ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी। इस बारे में मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और 3 दिन बाद मुन्ना के परिजनों का डर सही साबित हुआ। झांसी जेल से बागपत जेल भेजे गए मुन्ना बजरंगी के वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिस्ट में दूसरा नाम है दक्षिणी यूपी के कुख्यात माफिया संजीव महेश्वरी का। इसे जीवा के नाम से भी लोग जानते थे। कोर्ट में पेशी पर जा रहा जीवा लगातार खुद की जान को खतरा बता रहा था, अपने लिए सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसका भी अंजाम हाल मुन्ना बजरंगी जैसा ही हुआ। 7 जून 2023 के दिन लखनऊ में पेशी के दौरान जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरे नंबर पर अंबेडकर नगर का कुख्यात माफिया खान मुबारक है, जिसकी जुडिशियल कस्टडी में ही मौत हुई थी। वो काफी दिनों से बीमार चल रहा था। मौत से पहले खान मुबारक हरदोई की जेल में बंद था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौथे नंबर पर मुख्तार के दो और करीबी हैं, जिन्हें मेराज और मुकीम काला के नाम से पहचाना जाता था। ये दोनों अपराधी भी पुलिस कस्टडी में मारे गए थे। बताया जाता है कि यूपी की चित्रकूट जेल में बंद मेराज और मुकीम काला की कुख्यात गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में अंशु दीक्षित को भी मुठभेड़ में मार गिराया। इसी तरह बीते सालों के दौरान यूपी में बिकरू कांड और डिप्टी सीएम समेत 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे की मौत भी पुलिस कस्टडी में हुई थी। आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें मौत से पहले विकास दुबे चिल्ला चिल्ला कर एमपी में कह रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। दरअसल यूपी पुलिस की कस्टडी में आते ही वो समझ चुका था कि अब उसका अंत तय है और हुआ भी वही। अपनी जान बचाने के लिए उसने उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास सरेंडर कर दिया, लेकिन एमपी पुलिस ने उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया और उज्जैन से कानपुर लाए जाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलटी और उसने भागने की कोशिश की, जहां पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया।
इसके बाद नंबर आता है यूपी के प्रयागराज में आतंक का दूसरा नाम बन चुके अहमद ब्रदर्स का। जी हाँ, यूपी पुलिस की कस्टडी में सबसे सनसनीखेज हत्याएं हुई प्रयागराज के माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की। इन दोनों को भी अपनी मौत का ऐसा डर सता रहा था कि कैमरा देखते ही लपक कर अपनी जान को खतरे में बताने लगते थे। उमेश पाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों को अहमदाबाद और बरेली जेल से पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया था। अतीक के बेटे असद की मुठभेड़ में मारे जाने के दो दिन बाद ही अस्पताल ले जाते समय अतीक और अशरफ की तीन हमलावरों ने पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस तरह जहां उनके खौफ का साम्राज्य फैला था, वहीं दोनों भाइयों का दर्दनाक अंत हो गया। लिस्ट में आखिरी नंबर पर आपको बताते हैं उस माफिया डॉन के बारे में जो जब तक जिया पुलिस के लिए सिर दर्द बना रहा। जिस भी जेल में जाता था अपना ही राज चलाता था, लेकिन योगी राज आते ही ये समझ चुका था कि इसका अंत समय आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसे पिछले कुछ सालों से यूपी में अपनी जान को खतरा लग रहा था और इसी वजह से ये पंजाब की रोपड़ जेल में अपनी जान बचा कर बैठा था। लेकिन जैसे तैसे इसे पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया। मौत के डर से माफिया डॉन बीमार रहने लगा, उसे अपनी जान का खतरा सताने लगा। इसी साल 21 मार्च को उसने कोर्ट के सामने कहा था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है, उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हफ्ते भर के अंदर ही मुख्तार का शक सच साबित हो गया। हालांकि उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन 21 मार्च को लगाए गए उसके आरोप ने विरोधी दलों को योगी सरकार को घेरने के लिए मुद्दा जरूर दे दिया। इन सब माफियाओं का अंत होने से यूपी की जनता आज योगी सरकार के गुणगान करते नहीं थक रही। विपक्षी दल चाहे कितना भी हंगामा कर ले, सच तो यह है कि माफिया राज का सफाया होने से यूपी की जनता ने जरूर राहत की सांस ली है। नमस्कार।